नमस्कार दोस्तों, तो Realme P1 5G ना का एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन आज इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। और पहले मैं बोल देता हूँ, ये जो Realme P1 5G मैंने इसका 6 128 GB रेड वाला एडिशन मैंने ऑर्डर दे दिया है, कल मेरे पास डिलीवरी हो जाएगा। कल से मैं इसका रिव्यू करना शुरू कर दूंगा होपफुली। और वैसे भी ये जो Realme P1 5G इसके साथ मैंने ऑलरेडी Poco X6 न्यू का एक कॉम्पस वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे 16,000 पे आपको मिलेगा Realme P1 5G और 16,000 पे आपको Amazon Flipkart दोनों जगह पे मिल जाएगा Galaxy A34 5G, या फिर जिसका दूसरा नाम है Galaxy M34 5G। इसे इस वीडियो में ये चीज देखें कि एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में दोनों स्मार्टफोन के अंदर कौन सा है बेटर और आपको कौन सा लेना चाहिए। इस वीडियो में ये चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों फोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो Realme P1 5G आपको टोटल दो कलर पे मिलेगा, एक तो ये ग्रीन, दूसरा ये रेड। उसी जगह पे जो Galaxy F34 या फिर जिसका दूसरा नाम है M34 5G, ये आपको टोटल तीन कलर पे मिलेगा, ब्लैक, ग्रीन और वायलेट। तो अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, इधर दोनों ही फोन के पीछे आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक कवर, मतलब जिसे हम कहते हैं मैट फिनिश टाइप का प्लास्टिक बैक कवर। और इधर अगर मैं मेरे ओपिनियन देता हूँ कि डिजाइन के मामले में कौन सा बेटर है, तो मैं इधर बोलूंगा Realme P1 5G का पीछे का जो डिजाइन मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा यूनिक लगा। वैसे आपको कौन सा बेटर लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो नेक्स्ट अगर दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, Realme का थिकनेस है 7.9 mm और वेट है 188 ग्राम। उसी जगह पे Galaxy F34 का थिकनेस है 8.8 mm और वेट 208 ग्राम। तो मतलब ये चीज़ कह सकते कि थिकनेस, वेट ऐसा मामले में जो Realme P1 5G वो इधर है स्लाइटली ज़्यादा बेटर कम्पेयर टू Galaxy। तो नेक्स्ट अगर दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात करें, Realme पे आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120Hz 8-bit AMOLED डिस्प्ले, उसके साथ 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और पांडा ग्लास का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। उसी जगह पे Galaxy पे आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल HD प्लस 120Hz 8-bit सुपर AMOLED डिस्प्ले, जिसके साथ 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। और इधर दोनों के अंदर एक और डिफरेंस है कि जो Galaxy, इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा U-shaped notch, Realme के डिस्प्ले में आपको मिलेगा डॉट नॉच। इसके अलावा Realme पे आपको मिलेगा 2200Hz का टच समिंग रेट, लेकिन Galaxy पे आपको कितना टच समिंग रेट मिलेगा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। Realme के डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 2000 nits, Galaxy के डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 1000 nits। तो मतलब इधर हम ये चीज कह सकते हैं डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन के अंदर Realme है नो डाउट बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के CPU के बारे में बात करें, Realme पे आपको मिलेगा Dimensity 6050 प्रोसेसर जो कि 6 nm पे बना है, Galaxy पे आपको मिलेगा Exynos 1280 प्रोसेसर जो कि 5 nm पे बना है। Realme का Antutu स्कोर है 6,10,000 के आसपास, Galaxy का Antutu स्कोर है 4,88,000 के आसपास। तो मतलब इधर हम ये चीज कह सकते हैं दोनों फोन के अंदर अगर आपको प्रॉपर वाला गेमिंग चिपसेट चाहिए तो उसके लिए Realme इधर होगा नो डाउट बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, Realme पे आपको मिलेगा 52 MP का डुअल कैमरा, जिसके साथ है डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 MP का सेल्फी, जिसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। लेकिन उसी जगह पे Galaxy पे आपको मिलेगा 58.2 का रियर कैमरा, जिसके साथ है डुअल LED फ्लैश, जिसके रियर कैमरे के साथ OIS का ऑप्शन। फ्रंट में आपको मिलेगा 13 MP का सेल्फी, जिसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। तो मतलब इधर हम ये चीज कह सकते हैं दोनों फोन के अंदर अगर आपको सबसे बेटर क्वालिटी कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए Galaxy इधर होगा स्लाइटली ज्यादा बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के रैम और वेरिएंट के बारे में बात करें, Realme का टोटल दो ऑप्शन है 6 128 GB 8 256 GB, Galaxy का आपको टोटल दो वेरिएंट मिलेगा 6 128 GB 8 128 GB। दोनों ही फोन में आपको मिलेगा 1+1 कार्ड स्लॉट, मतलब जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन। इसका मतलब इसमें आप सेम टाइम में आइदर दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड आप सेम टाइम में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा LPDDR4X का रैम, Realme पे आपको मिलेगा UFS 3.1 का स्टोरेज, Galaxy पे आपको मिलेगा UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज। तो मतलब इधर हम ये चीज कह सकते हैं सेम प्राइस पॉइंट में अगर आपको बेटर क्वालिटी रैम और स्टोरेज के कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसके लिए Realme होगा नो डाउट बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, Realme पे आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 45W का चार्जर। Galaxy पे आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी, साथ में 25W का चार्जर, जो कि आपको अलग से कॉम्बो कार्ड पे लेना पड़ेगा वही 300 से 500 रुपये खर्चा करके। और दोनों का ही कनेक्टिविटी USB Type-C। तो मतलब इधर एक चीज देख सकते कि एक में आपको ज्यादा बैटरी लेकिन कमजोर चार्जर मिलेगा, दूसरे में आपको थोड़ा सा कम बैटरी लेकिन ज्यादा चार्जर मिलेगा। तो इसीलिए इधर बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे मोर और लेस दोनों सेम ही है।
तो नेक्स्ट अगर दोनों के पोर्ट्स की बारे में बात करें, इधर दोनों फोन में आपको मिलेगा 3.5 इंच जैक और उसके साथ रियलमी पे आपको मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, गैलेक्सी पे आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो मतलब इधर इस पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नो डाउट रियलमी होगा बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के ओएस की बारे में बात करें, Realme पे आपको मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके साथ 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें मिलेगा। लेकिन Galaxy पे आपको मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स और जिसके साथ 4 साल का मेजर OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब इधर हम ये चीज कह सकते हैं, दोनों फोन के अंदर अगर आपको लंबे समय तक यूज करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए Galaxy इधर होगा नो डाउट बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के ऑडियो के बारे में बात करें, Realme पे आपको मिलेगा डुअल स्पीकर जिसके साथ DTS HD का सर्टिफिकेशन, उसी जगह पे Galaxy पे आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर जिसके साथ Dolby Atmos का सर्टिफिकेशन। तो मतलब इधर हम ये चीज कह सकते हैं, दोनों फोन के अंदर अगर आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए Realme इधर होगा नो डाउट बेटर। और नेक्स्ट अगर दोनों के 5G बैंड के बारे में बात करें, Realme पे आपको मिलेगा टोटल 9 5G बैंड जिसके अंदर N77 और N70 दोनों अवेलेबल है, उसी जगह पे Galaxy पे आपको मिलेगा टोटल 11 5G बैंड जिसके अंदर N77 और N78 दोनों ही अवेलेबल है। तो इसके मतलब इधर इस 5G बैंड के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, ये जो Realme P1 5G इसका स्टार्टिंग वेरियंट है 16,000 रुपए विदाउट कोई कार्ड ऑफर, लेकिन उसी जगह पे जो Galaxy F34 5G है जिसका जो दूसरा नाम है Galaxy M34 5G, अगर आप इसे लेंगे तो इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा वही 16,000 रुपए के आसपास विदाउट कोई चार्जर। तो अब बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में दोनों फोन के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप 15,000 के प्राइस पॉइंट में गैलेक्सी के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी कैमरा सिस्टम और साथ में ज्यादा OS अपडेट साइकिल, लेकिन उसी जगह पर अगर आप रियलमी के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर डिस्प्ले, बेटर CPU, फास्टर स्टोरेज सिस्टम, फास्टर चार्जिंग सिस्टम, बेटर क्वालिटी ऑडियो और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अब इधर देखिए वीडियो का मैं आपसे आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोग सिर्फ सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से फोन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए सैमसंग के जो F34 या फिर जो M34 बहुत ही बढ़िया चॉइस है, मतलब इससे बेटर कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिन लोगों को प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसका ब्रांड वैल्यू भी काफी बढ़िया होगा, तो मेरे ख्याल से 2024 का सबसे बेस्ट 15,000 के आसपास का स्मार्टफोन है Realme P1 5G। क्योंकि देखिए एक फोन में हमें क्या चाहिए, बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया प्रोसेसर, ठीक ठाक कैमरा, ठीक ठाक रैम और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन, मतलब सब कुछ हमें ठीक ठाक चाहिए। तो मेरे ख्याल से Realme P1 5G मुझे लग रहा है कि 15,000 के आसपास सबसे बेस्ट ऑलराउंड वाला स्मार्टफोन है। अभी हाँ एक और चीज मैं बोल देता हूँ, बहुत सारे लोगों का शायद टारगेट है कि 19,000 रुपए पे Realme P1 5G का जो 8 GB वाला जो वेरियंट है उसे लेने का। तो मैं ये चीज बोलूंगा, अगर 19,000 रुपए खर्च करके आप Realme P1 5G लेना चाहते तो एक चीज देखना, 1,000 रुपए ज्यादा देखिए, फिर कभी कभार 19,000 रुपए भी आपको मिल जाएगा Realme 12 Plus 5G जिसका स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में ये जो Realme P1 5G इसके हाईएस्ट वेरिएंट के मुकाबले बेटर है। फॉर एग्जांपल बेटर क्वालिटी का कैमरा और भी बेटर क्वालिटी का ऑप्टिमाइजेशन, चार्जिंग सिस्टम, ये सब चीज भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये चीज कहूंगा, अगर आपको Realme P1 5G लेना है तो जो बेस वेरिएंट उसे लेने की कोशिश कीजिए, अगर आप हाईएस्ट वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल से सेम प्राइस पॉइंट में Realme 12 Plus 5G बेटर आप लोगों के लिए चॉइस होगा। तो अभी आप मुझे कौन सा जरूर बताना कि आप ही दोनों फोन के अंदर कौन सा लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।